तो हेलो दोस्तों, आज हम जिस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, शिवाजी छत्रपति वस्तु संग्रहालय। तो इसे आप कभी मुंबई में आएँ तो इस म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करें, अपने बच्चों को भी विज़िट कराएं। यहाँ पर आपको इंडियन हिस्ट्री नेचर जानने को मिलेगा और बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। ये CST रेलवे स्टेशन के जस्ट आगे। मेरा तो यही मानना है, अगर किसी को इंडियन हिस्ट्री, मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यहाँ आएँ तो इस म्यूज़ियम को लगभग एक बार तो विज़िट ज़रूर करें लाइफ में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, अंदर जाने के बाद आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलेंगी, पुराने टाइम के जानवर, जू और जो अस्त्र शस्त्र हैं शिवाजी के टाइम के, वो भी देखने मिलेंगे। शिवाजी टर्मिनल से थोड़ी सी दूर छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय में आपको भी पीछे कैमरे से दिखाऊंगा। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, मैं अंदर से जाकर आपको दिखाता हूँ। छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय शिवाजी महाराज का, अंदर से काफी बड़ा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों जो आज का जो ब्लॉग होने जा रहा है वो होने जा रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय म्यूजियम का। तो मैं म्यूजियम आ गया हूँ, आपको अंदर से दिखाऊंगा यहाँ का जो शिवाजी का म्यूजियम है। तो चलते हैं अंदर। बैक कैमरे से मैं आपको दिखाऊँ। तो ये जो है छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय म्यूजियम का अंदर जाने का रास्ता है, यहीं से शुरुआत होती है। काफी खूबसूरत बना हुआ है अंदर से। एंट्री मेन गेट से ही है इसकी, ये ऊपर से इसका कुछ बिल्डिंग्स। इंजेक्शन देते हैं तो अंदर से कुछ इस तरीके का है छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। छत्रपति शिवाजी म्यूजियम के मतलब आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंटीरियर का कैसे बनाते हैं, कैसे बना कुछ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इधर भी है। चलो तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत है ये अंदर से।
आ गया हूँ अंदर से, कुछ इस तरीके का व्यू है छत्रपति शिवाजी म्यूजियम का। ये मेरे ऊपर ये 100 ईयर्स होता छत्रपति शिवाजी का चार्ट। ऊपर की तरफ चलते हैं, मैं आपको ऊपर की जो साइड है ना वो दिखाऊंगा, ऊपर से जाकर छत्रपति शिवाजी की म्यूजियम कैसा है। दो जीने जा रहे हैं, इस साइड को एक इस साइड को, दोनों से किस भी साइड पे चले जाओ दोनों ही साइड एक ही तरफ है। ये कुछ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग लग रहा है म्यूजियम का, एक कब से कब कैसे बना पूरा का पूरा। और ये अंदर जो है ना भारतीय धातु है वो सजावटी कला भी जो मान लीजिए जो मूर्तियाँ वगैरह हैं आर्किटेक्चर है वो भी यहाँ रखा। ये देखिए बढ़िया है अंदर से। ये शिवाजी के अस्त्र धातु वाले पुराने ये पुरानी मूर्ति और ये चाकू वगैरह। ये सब शिवाजी महाराज के जमाने का है। और ये जो है ना शिवाजी म्यूजियम का हौदा है उसी टाइम का। ये देखिए बहुरंगी हाथी दांत एवं पीतल की अलग अलग जुड़ाई, हाथी के दांत और पीतल की जुड़ाई से बना हुआ है। ये अंदर से कुछ इस तरीके का है। शिवाजी म्यूजियम पुराने धातु के पुराने अस्त्र शस्त्र। आओ बाहर चलते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद जो है ना नीचे कभी वो कभी आओगे किस तरीके से तरीके का ये शिवाजी म्यूजियम में आने के बाद ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए उसी टाइम के पिक्चर्स आर्किटेक्चर हैं पुराने दिखाएगा। इतना खूबसूरत व्यू है आप देख सकते हैं पुराने टाइम में चम्मच। ये सब उसी टाइम की पिक्चर्स। ये भी काफी ओल्ड लकड़ी। ये सब उसी टाइम के जो भी बर्तन रखे हैं उसी टाइम के बर्तन हैं।
रही है उस टाइम पे ही है ये कुछ। तो अब चलते हैं थर्ड फ्लोर की ओर बिल्कुल ऊपर। तो अब मैं जो है ना शिवाजी म्यूजियम कुछ इंडियन पेंटिंग दिखाऊंगा आपको मैं, कुछ जो उस टाइम की पेंटिंग है इंडियन पेंटिंग वो देख लिया। तो ये है शिवाजी म्यूजियम में इंडियन पेंटिंग, उसी टाइम की बनी हुई इंडियन पेंटिंग ये देख लीजिए। काफ़ी पुरानी इंडियन पेंटिंग है, रागमाला और बारहमासा। ये देखिए जे बनवलेले आहे ना ते याच्या हे सगळं जे निघतंय ना त्याच्यावरती ते बनवलेलं म्हणजे हे सगळं स्टोरीज वगैरे लिहिण्यासाठी याचीच पत्र वापरलेली झाड आहे हे झाड आहे ते पर्टिक्युलर। ये जो अंदर जो है ना भोज वृक्ष की टहनी है ये उसी टाइम की। ये इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है भोज पत्र। अभी मैं आपको पूरा भारतीय लघु चित्रकला इंडियन पेंटिंग में दिखाऊंगा आपको, काफ़ी अच्छा बनाऊंगा आप कभी घूमने आओगे तो बहुत अच्छा बढ़िया से पेंटिंग बनी है यार शिवाजी जी के टाइम पे। देखिए इधर ये सब पेंटिंग वगैरह है, इतना शानदार व्यू है उसी टाइम्स की पेंटिंग्स। तो अब चलते हैं, जो शिवाजी म्यूजियम की पेंटिंग है वो हो गई है आपको पूरी देख ली है। अब चलते हैं शिवाजी म्यूजियम के जो थर्ड फ्लोर है ना उसकी ओर, सेकंड फ्लोर हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है, थर्ड फ्लोर की ओर जाने का टाइम है ना। शिवाजी म्यूजियम में थर्ड फ्लोर पर जाना बिल्कुल मना है, ये थर्ड फ्लोर का ये गेट है जाने का रास्ता या लिखा नो एंट्री के लिए साफ मना ही जा रहा है। तो ये रास्ता जो है नीचे की तरफ जाता है। शिवाजी म्यूजियम में जो भी है ना घूमने का सिर्फ सेकेंड फ्लोर पर ही है। मैं अभी आपको एक रास्ता और रह गया, बस इसके अंदर नहीं है, मैं इसका कुछ व्यू आपको दिखाऊँगा। देखिए ये वाली जो ये वाला व्यू था ना मैं इसे दिखाना भूल गया था, ये म्यूजियम के अंदर का ना मुस्कड़ा वगैरह ज्वेलरी वगैरह नहीं मिल रही। शिवाजी म्यूजियम के अंदर देखिए ज्वेलरी वगैरह, थोड़ा अंदर से इधर को भी दिखा देता हूँ। यहाँ ज्वेलरी गैलरी है ओल्ड टाइम का, ये है कुट्टम देखिए शिवाजी के टाइम का ये सब कुछ ऐसा हुआ करता था। सब पुरानी पिक्चर्स ओल्ड पिक्चर्स ब्रिटिश टाइम
यही रास्ता जो मैं इसमें नहीं गया था, अभी आया वो और भी कुछ है, देखते हैं अभी आगे क्या क्या हो रहा है। शिवाजी म्यूजियम की विशेष प्रदर्शनी है, इसके अंदर हम जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे ये शिवाजी म्यूजियम की विशेष प्रदर्शनी है। अच्छा करके बनाया गया है यहाँ हर चीज़ को, बहुत ब्यूटीफुल है हर चीज़। ये देखिए जॉन कॉन्स्टेबल भी अंदर भी है और काफी बड़ा। शिवाजी म्यूजियम के अंदर जो मनी गैलरी है ना, मुद्रा कॉइन है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। पुरानी मुद्रा, शिवाजी म्यूजियम मुद्रा, पुराने जमाने के सिक्के, देखो उनके जमाने के, ये म्यूजियम के अंदर है मनी रूम। तो फाइनली शिवाजी महाराज म्यूजियम से हम एग्जिट करते हैं। लगभग पूरे जो म्यूजियम है ना शिवाजी महाराज का वस्तु संग्रहालय, लगभग सभी का ब्लॉग पूरा हो चुका है, तो यहाँ से एग्जिट करने का टाइम आ गया। अगर बाहर की साइड कुछ एनिमल्स बता रहे हैं, कुछ एनिमल्स होंगे तो मैं उनका ब्लॉग्स आपको जरूर दिखाऊंगा, ब्लॉग्स में लाने की कोशिश करूँगा। तो ब्लॉग को प्यार दें खूब सारा और लाइक कमेंट शेयर करें, बढ़िया से व्यूज आने चाहिए। और ये अजायब वगैरह है कुछ, इससे और देखो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, ये पुराने ओल्ड टाइम की आर्किटेक्चर की मूर्ति है। ये कुछ वीडियो में दीना जहाज, पुराने जहाज का आर्किटेक्चर है कुछ। उसी टाइम के अस्त्र शस्त्र हैं कुछ शिवाजी जी के टाइम के। तलवारें ओल्ड टाइम की। मैं निलोथिक टूल्स में स्नोथिक निलोथिक टूल्स है, उसी टाइम का पत्थर, ये सब शिवाजी के टाइम। नीचे से देखने पर कुछ इस तरीके से शिवाजी म्यूजियम जो वस्तु संग्रहालय है उसके हम एनिमल्स वाले सेक्शन में आ चुके हैं, जो नेचुरल एनिमल्स हैं। देखो ये पीछे
बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको सब ये जो है ना म्यूजियम के अंदर एनिमल्स रखे हुए। देखिए ये सब ये शीशे के अंदर म्यूजियम में पैक एनिमल्स हैं, ये ओरिजिनल हैं बिल्कुल, और इनके अंदर जान भी ओरिजिनल रखे हुए हैं। एनिमल्स गैलरी में, एनिमल्स गैलरी शिवाजी महाराज म्यूजियम इन मुंबई। ये देखिए उसी टाइम का वो भी भारतीय घंटा यह है एनिमल्स गैलरी। शिवाजी महाराज म्यूजियम की एनिमल्स गैलरी, ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल है इसके अंदर भारतीय गैंडा शेर, देखिए इसके अंदर बिल्कुल ओरिजिनल। चीता टाइगर भारतीय बाघ, ये देखिए राम गवा इंडियन विजन ऑफ बाघ। फाइनली मैं आ गया हूँ छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय म्यूजियम से बाहर, और बस यहाँ ही कुछ ही दूरी पर है गेटवे ऑफ इंडिया एंड ताज होटल। बस मैं वहीं आने ही वाला हूँ, कुछ देर में आपको गेटवे ऑफ इंडिया में दिखाऊंगा, अभी बिल्कुल नज़दीक जाकर, और ताज होटल भी बस कुछ ही दूरी पर है पहुँचने वाले हैं। अभी बैक कैमरे से मैं आपको दिखाऊँगा।